बिनोमो में आपका स्वागत है। वित्तीय बाजारों में ट्रेड करें और अनुभव प्राप्त करें। $1,000 का मुफ्त डेमो खाता अभी आजमाएं। नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। भारतीय क्रिकेट टीम ने आईसीसी T20 विश्व कप की शुरुआत बेहद निराशाजनक अंदाज में की थी। पहले पाकिस्तान से 10 विकेटों से हार और उसके बाद न्यूजीलैंड से 8 विकेटों से टीम को हार का सामना करना पड़ा था और टीम की सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को भी तगड़ा झटका लगा था। लेकिन अपने तीसरे लीग मुकाबले में अफगानिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया ने सारी कसर पूरी कर दी। ओपनर रोहित शर्मा और केएल राहुल ने दमदार बल्लेबाजी करते हुए शतकीय साझेदारी कर टीम को बड़े स्कोर की नींव रख दी। दोनों ने T20I क्रिकेट में चौथी बार टीम इंडिया के लिए 100 रनों से ज्यादा की साझेदारी की और एक खास उपलब्धि भी हासिल कर ली। भारतीय टीम ने अफगानिस्तान के खिलाफ टॉस हारकर बुधवार 3 नवंबर को पहले बल्लेबाजी की। रोहित और राहुल ने टीम इंडिया के लिए दमदार शुरुआत की। दोनों ओपनरों ने मिलकर इस अहम मुकाबले में पावर प्ले में 85 रन जोड़ डाले। दोनों ओपनर ने मिलकर इस अहम मुकाबले में पावर प्ले में ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी और ये जोड़ी यहीं रुकी नहीं और टीम के लिए चौथी बार T20I शतकीय साझेदारी भी कर डाली। T20 इंटरनेशनल में भारत शतकीय साझेदारी करने के मामले में रोहित राहुल की जोड़ी अब संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर आ गई है। पहले स्थान पर पाकिस्तान के बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान हैं। दोनों ने अब तक 5 बार ये कमाल किया है और सबसे कमाल की बात कि बाबर और रिजवान ने इसी साल 5 ही शतकीय साझेदारियां निभाई हैं। दूसरे स्थान पर रोहित और राहुल की जोड़ी है जिन्होंने 4 बार शतकीय साझेदारी बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। रोहित और शिखर धवन की जोड़ी के नाम भी 4 शतकीय साझेदारी करने का रिकॉर्ड है। T20 में सबसे बड़ी भारतीय ओपनिंग साझेदारी का रिकॉर्ड भी अब रोहित शर्मा और शिखर धवन के नाम दर्ज है। दोनों ने डर्बन में पहले विकेट के लिए 160 रन बनाए थे। अब दूसरे स्थान पर रोहित के जोड़ीदार राहुल आ गए हैं। अबुधाबी में दोनों के बीच 140 रनों की साझेदारी हुई। इससे पहले डर्बन में वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर ने 136 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप की थी। आपको बता दें भारतीय टीम ने इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए 210 रन बनाए थे और ये मुकाबला 66 रनों से जीतने में कामयाब भी रही। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।